करते हैं दुर्ग का, जहां से हमारे संवाददाता सुबोध जुड़ चुके हैं हमारे साथ। जी सुबोध, बताएं आज ऐसी कौन सी खबरें हैं जो पूरे दिन राजनीतिक के दृष्टिकोण से सुर्खियों में छाई रहने वाली हैं? मधु जी, बड़ी बात है कि जिस तरीके से धीरे धीरे विधानसभा चुनाव की जो तारीखें हैं मतदान को लेकर नजदीक आती जा रही है, वैसे वैसे राजनीतिक पार्टियों के प्रयास यानी कि जनसंपर्क और सभाएं और घोषणाओं के अनुसार जो किए गए वादे हैं उन्हें लेकर में लगे हुए हैं और उसमें तेजी आ गई है। बड़ी बात है, आज डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी भी दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे, जहां पाटन विधानसभा क्षेत्र के कम से कम 3 से 4 सभाओं को वो संबोधित भी करेंगे और एक छोटी सी रैली या रोड शो भी हो सकता है। एक बड़ी बात है कि राजनाथ सिंह जी पहुंचकर यहां पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने की बात करेंगे, बड़ी बात है। और अब अगर हम पाटन विधानसभा क्षेत्र के बारे में ही बात करें तो एक तरफ जहां कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी सीएम भूपेश बघेल हैं, तो वहीं विजय बघेल भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं। जब अभी कुछ दिनों पहले तक यह लड़ाई आमने सामने की थी, मगर जैसे ही जोगी कांग्रेस के अध्यक्ष जो हैं अमित जोगी मैदान पर उतर जाते हैं, यह मुकाबला त्रिकोणी हो जाता है और यहाँ पर कसमकस की स्थिति काफी ज्यादा बन पड़ी है, क्योंकि एक बड़ा तबका जो कि SC ST और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है, वह कहीं ना कहीं जोगी कांग्रेस से प्रभावित है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को मिलने वाले मतों का समीकरण बिगड़ भी सकता है या किसी एक पार्टी को इसका फायदा भी मिल सकता है। अब अगर भिलाई नगर के बारे में बात करें तो भिलाई नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रेम प्रकाश पांडे जी और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र यादव। जिन दोनों के बीच कड़ी टक्कर है और अभी से नहीं पिछले 10 सालों से टक्कर है, यानी कि दूसरा चुनाव होगा जब ये दोनों प्रत्याशी कड़ाई के साथ आमने सामने हैं। लेकिन इस बीच जहीर खान जो कि जोगी कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनकी एंट्री होती है और फिर यहाँ पे इस यहाँ के समीकरण को जो शहरी मतदाता हैं और बस्ती क्षेत्र के और आसपास के लगे टैलेंट एरिया के जो रूरल एरिया के मतदाता हैं उनके समीकरण को ये जहीर खान जी बिगाड़ रहे हैं। अब अगर दुर्ग ग्रामीण की बात करें तो दुर्ग ग्रामीण में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी तामरदत्त साहू और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ललित चंद्राकर बिल्कुल आमने सामने हैं, एकदम तगड़ी फाइट है। और इस बीच इसमें यहाँ पर जोगी कांग्रेस के उतारे के प्रत्याशी कहीं से भी किसी भी तरीके से उनके समक्ष टिकते नहीं है, न ही किसी और पार्टी के प्रत्याशी। तो यहाँ पर लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की है और ऐसा माना जा रहा है कि दोनों का ही पलड़ा लगभग लगभग समानांतर बराबर चल रहा है। अब शहर के बारे में बात करें, दुर्ग शहर के बारे में, तो यहाँ पर अरुण वोरा है कांग्रेस प्रत्याशी और बीजेपी से गजेंद्र यादव है। गजेंद्र यादव जी संघ परिवार से संबंधित हैं, बिसाहू राम के परिवार से हैं, जो कि काफी पुराने संघी कार्यकर्ता रहे हैं, समर्थक रहे हैं। और चूंकि अरुण वोरा है, उनके परिवार की अगर बात करें हिस्ट्री की, राजनीतिक हिस्ट्री की, तो 60 से 70 साल पुरानी उनकी राजनीतिक हिस्ट्री है। तो यहाँ पर अरुण वोरा भी एक कद्दावर नेता के रूप में गजेंद्र यादव को कड़ी टक्कर दे रहे हैं और गजेंद्र यादव भले ही पिछले पार्षद चुनाव में जीते रहे और उसके बाद फिर एक राजनीतिक गैप के बाद, एक ट्रोमा के बाद फिर वापस आए हैं, तो वो बराबर की टक्कर अरुण वोरा को दे रहे हैं। इसी तरीके से वैशाली नगर की बात करें तो हालांकि जो मुकेश चंद्राकर है वसुदेव चंद्राकर के परिवार से हैं आते हैं और वे पहली बार इस आम चुनाव में सामने प्रत्यक्ष रूप से चुनावी मैदान में लड़ाई लड़ रहे हैं और उनके सामने एक कद्दावर स्टंटबाज नेता जिन्हें कहा जाता है भिलाई वैशाली नगर के क्षेत्र में, कि वो एक स्टंटबाज नेता है, वो है भारतीय जनता पार्टी के रितेश सिंह। इन दोनों के बीच भी आमने सामने की टक्कर है, कड़ी टक्कर है। देखने वाली बात होगी कि दुर्ग जिला की यह 6 विधानसभा क्षेत्र की सीट आखिर किस पार्टी के खाते में जाती है। जी सुबोध, ये तो हुई राजनीतिक दृष्टिकोण से बात। अब बात करेंगे, त्योहारी सीजन है तो दुर्ग में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? सवाल दोहराएं। जी सुबोध, मैं ये जानना चाहूंगी कि ये तो हुई राजनीतिक दृष्टिकोण से बात, अभी जैसे त्योहारी सीजन है, दीपावली का सीजन है, तो दुर्ग में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, अगर त्योहार है और माहौल के बारे में बात करें तो एक तरफ चुनाव की खुमारी ने त्योहार के माहौल को हल्का सा बदरम कर दिया है। जी हाँ, हल्की सी शांति है, हालांकि लोग बाजार में उतर चुके हैं, लोगों के खातों में पैसे आ चुके हैं और उन पैसों का उपयोग करने हुए त्योहारी सीजन की खरीदारी को लेकर तमाम तरह की बताया जा रहा है। अगर मीडिया सूत्रों के बारे में बात करें तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में बिल्कुल उछाल मचा हुआ है और 4-व्हीलर 2-व्हीलर और इसी तरह की कई गाड़ियां खरीदने बेचने की तैयारी चल रही है और कंपनी मालामाल होने वाली है ऑटोमोबाइल की कंपनी। और इसी क्षेत्र में अगर कपड़े के बारे में बात करें, खासकर डिजाइनर कपड़ों को लेकर लोग काफी संवेदनशील हैं और इस बार लगता है कि दिवाली के सीजन में लोगों ने कपड़ों को लेकर काफी बढ़ चढ़कर खरीदारी की है। रही बात अगर पटाखों की, तो चूंकि
पॉल्यूशन की बात आती है तो इसे लेकर आम आदमी सजग है और बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाले पटाखों की ओर वो बिल्कुल भी झुके नहीं, मतलब उनका झुकाव नहीं है और वे सामान्य बच्चों के स्तर के जो पटाखे होते हैं उसकी खरीदारी में लगे हुए हैं। और अगर मिठाइयों की बात करें तो लजीज मिठाइयों से दुकानें सज चुकी हैं, तरह तरह के, चूंकि एक भिलाई एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, यहाँ राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र जैसे प्रांत के लोग रहते हैं और उन्हीं प्रांत के वासी भी यहाँ पर मिठाई दुकान उनकी चल रही है और काफी फेमस मिठाइयां यहाँ पर घेवर है। और अगर कलाकंद की बात करें और कश्मीरी चमचम की बात करें तो इस तरह की अच्छी और स्वादिष्ट मिठाइयों से भी बाजार सजी हुई है और लोग बढ़ चढ़कर खरीदारी कर रहे हैं। जी सुबोध, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।